स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 का अनुपालन करने सहित 22 बिंदुओं को लेकर जनपद के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, RTO भीम सिंह, ARTO DD मिश्र, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि सहित विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में विद्यालयों में साफ सफाई, वृक्षारोपण, छात्रवृत्ति वितरण, खेलकूद, योगाभ्यास कराने, पुरातन छात्र सम्मेलन कराने, नियमित रूप से राष्ट्रगान कराने सहित छात्रों के चहुंमुखी विकास के लिए समय से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की बात की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों से मौजूद अधिकारियों ने प्रधानाचार्यों को विभाग के नियमों से अवगत कराया जो स्कूलों में लागू होगा। बैठक के बाद गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी CDO अनुज सिंह ने कहा, 1% से ज्यादा किसी भी हालत में होनी चाहिए। अगर टीचर्स की सैलरी सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए आपने केवल 5% बढ़ाया तो आप 5% से ज्यादा अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते। पूरे भारतवर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ टकटकी नजर लगा के देखते हैं, यहाँ की छोटी छोटी घटनाओं को बाहर तक जाना पड़ सकता है। इसलिए कोई ऐसी बात ना करें जिससे किस कमेटी में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे। अगर बाहरी आदमी कोई आता है तो उसको अपनी बात कह के, अपनी बात समझा के उसको आगे करिए। इसके अतिरिक्त जो एक्ट ये कहता है कि आप इसके इसमें क्या क्या और करना है, आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा गाइडलाइन, चूंकि माना गया है कि बहुत ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को प्रॉपर सुरक्षा नहीं दे रहे। एक्ट में ये भी है कि अगर हमारा जो क्या टीचर्स का रेशियो होना चाहिए, टीचर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, क्या हमको पेरेंट्स को क्या सुविधा देना चाहिए, एक क्लास में कितने बच्चों की संख्या, ये सब कुछ एक्ट के अगल बगल जो नियम है उससे जुड़े हुए हैं। तो हर रूल को सबसे बड़ी चीज है कि आपको जानना सबसे जरूरी है और उसका पालन जितना से ज्यादा हो पाए, क्योंकि अभी तमाम चीजें बदली है, CBSE के नाम बदले हैं, ICSE के नाम बदले हैं, UP बोर्ड के भी नाम बहुत बहुत कठिन हो गए हैं। हमको लगता है आने वाले टाइम पे क्लास 8 का एफिलिएशन लेना बहुत कठिन हो जाएगा, तमाम NOC लेनी पड़ रही है, NOC की शर्त बहुत कठिन है। इसलिए जागरूकता और आपको सारी बात जानना जरूरी है। अगर आप जानते रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कि गोरखपुर में ये अधिकारीगण भी सारी बात जान रहे हैं और सब लोग आपके साथ हैं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या स्वास्थ्य विभाग हो या फायर डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या DM साहब का डिपार्टमेंट हो, सारे लोगों से हम लोगों का काफी बातचीत होती है, बड़ा हेल्दी माहौल में बात होता है। तो वो सारी चीज, सारी परेशानी आपकी समझते हैं कि यहाँ पे जितने लोग भी शिक्षाविद बैठे हुए कितनी कठिनाई से और कितना मेहनत से, कितने अभाव में छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके और यहाँ तक इस एजुकेशन चीज को यहाँ तक पहुंचाए हैं। अदरवाइज जितने भी सम्मानित अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी अधिकारी आने वाले समय में हैं, वो आप सभी के स्कूल से ही आके निकले हुए, ऐसा नहीं है कि कहीं और से आए हुए हैं। तो उनका विचार हमेशा आपके फेवर में रहता है, हमेशा रहता है कि एक स्कूल ग्रो करे, लेकिन अनाप शनाप काम ऐसा ना करे जिसके वजह से उनका जो कीमती समय है हमारे अधिकारी, क्योंकि एक शहर बहुत तेजी से बदल रहा है, इस शहर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से आगे जितने भी अधिकारी होंगे उनका काम बहुत बढ़ गया होगा, उनके पास इतना समय नहीं है कि आपके अभिभावक जाके शिकायत करें और वो एक एक स्कूल में आके एक एक चीज का मुआयना करें। इसी तरह से आपको बुला के अपनी बात रखेंगे और हमको उम्मीद है इस एक्ट के बारे में अगर आप वेबसाइट पे जाके पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पालन करिए। पालन करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। हमारे अधिकारी कम से कम आपको हमेशा सहयोग करते रहेंगे। कोई भी जानकारी, स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अजय शाही, स्कूल एसोसिएशन CBSE ICSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रेसिडेंट होने के नाते, कभी भी हमारी कोई आवश्यकता हो या हमसे कुछ जानना हो तो आप हमारी सेवा ले सकते हैं। पहला काम होता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके मास्टर डेटा को अपडेट करना, क्योंकि छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका मास्टर डेटा अपडेट होगा, अगर मास्टर और वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। मास्टर डेटा अपडेशन की जो समय सारणी थी वो 1 जून से 15 जुलाई तक है। आज हम लोग 27 जून में उपस्थित हैं यहाँ पर, 27 दिन गुजर चुके हैं, अभी 15-18 दिन बचे हुए हैं।
तो जो संस्थाएं पहले से ही मास्टर डेटा में दर्ज हैं वो अपना मास्टर डेटा अपडेट कर लें, चूँकि हर वर्ष मास्टर डेटा को अपडेट करना होता है, छात्रों की स्वीकृत सीट, उनकी फीस आदि जो भी जानकारियां होती मास्टर डेटा में वो आप लोगों को पता है, आप लोग अपडेट कर लें। जो शिक्षण संस्थाएँ पिछले वर्ष में अपडेट मास्टर डेटा में दर्ज नहीं थी वो भी मास्टर डेटा में जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ से पासवर्ड प्राप्त करते हुए मास्टर डेटा में अपनी शिक्षण संस्था का विवरण नए सिरे से दर्ज कर सकते हैं। वर्तमानी बेटा खोलने का काम कर लें और जहाँ आपका विद्यालय स्थापित है वहाँ का GPS रीडिंग सही, आप इसकी सूचना अपने कार्यालय को भेज दें ताकि वो हमारे ऑफिस में आ जाए और हम अपने प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक में अपलोड करें। 450 के आसपास इंटरमीडिएट कॉलेजेस के ग्रांच आयोजन आए हुए हैं और लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, एक जो रफली आंकड़ा दिया गया है 1.5 लाख स्टूडेंट्स इतने विद्यालयों में पढ़ रहे होंगे। तो ये एक अच्छा मौका था कि हम भी अपनी बात आप लोगों तक कम्युनिकेट करें। जैसा कि विद्यालयों में वाहन के आने जाने की व्यवस्था, उनके संचालन, उनका परमिट, उनका रखरखाव, उसके विषय में आपको RTO साहब अभी विस्तृत रूप से बताएंगे। मेरा पक्ष है यातायात से संबंधित अन्य समस्याओं को आपको अवगत कराना और आपसे अनुरोध करना कि उन विषयों को लेके आप लोग स्वयं जो है जागरूक हों और बच्चों को जागरूक करें। प्रत्येक विद्यालय में हम लोगों ने पिछले साल लगभग 275 स्कूलों में भ्रमण किया और बच्चों को यातायात के विषय में जागरूक किया और उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ा। लेकिन विद्यालय के इंटरनल प्रबंधन, उसका ईश्वर कोई इच्छा शक्ति हमको दिखाई नहीं पड़ी कि वो भी अपने बच्चों के प्रति, जो उनके बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उनके प्रति वो चिंतित दिखाई पड़े हो। हम लोग भले ही जा जाके प्रचार करें, यातायात के नियमों का प्रचार करें, हेलमेट का प्रचार करें, लेकिन विद्यालय की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखाई पड़ा कि आप लोग भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने परिवार में ये सब चीजें बताएं। इसके लिए मैं, चूंकि आप लोग ही फसल को बोते हो, काटते हम लोग हैं आके, जैसा आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उसका अंतिम काटना हमारा ये है कि हमको चालान करना पड़ता है। तो हमारा अनुरोध यही है इसमें कि दैनिक रूप से प्रार्थना के समय में जब भी प्रार्थना समाप्त होती है उस समय कम से कम आप 1 मिनट ना दे तो 30 सेकंड तो यातायात के विषय में बता ही दे। वो 30 सेकंड हो सकता है उसके परिवार के लिए लाभदायक हो, माता पिता के लिए लाभदायक हो, भाई बहनों के लिए लाभदायक हो, मित्रगणों के लिए लाभदायक हो। तो विद्यालय घूम रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रार्थना के बाद में 30 सेकंड का समय यातायात व्यवस्था के लिए लोगों को दें। यहाँ पे हेलमेट के, यहाँ पे एक व्यक्ति को लगा भी देंगे जो हेलमेट बेचेगा। इस नियमावली में कुछ संशोधन किए गए हैं, साथ ही साथ जितने कंसर्न डिपार्टमेंट हैं संबंधित विभाग उनके दायित्व को निर्धारित किया गया है। अब हम जो पहले इसका 2012 का जो सर्कुलर था और 2019 में जो इस नियमावली आई है दोनों में क्या अंतर है उसका एक सूक्ष्म अवलोकन आपको कराना चाहते हैं। स्कूल बस जो स्कूल के नाम पंजीकृत है, ठेका गाड़ी होती जो स्कूल के नाम अनुबंधित होती थी स्कूल से, आप स्कूल बस है, ठेका बस है और साथ साथ विद्यालय वैन है जो कि जो संरक्षक हैं उनके अनुबंध के आधार पर पान स्वामी अनुबंध करके इस स्कूल से संतुष्टि करा करके परमिट ले सकता है या संरक्षक समूह। दूसरा सुरक्षा संबंधी मानक है जो पहले मानक था स्कूल बसों के संबंध में वो था
नंबर एक वाहन का शैक्षणिक संस्था के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है। नंबर दो था निजी ऑपरेटर भी अपने वाहन को स्कूल वाहन के अनुरूप बनवाकर पंजीकरण कराने के लिए के उपरांत स्कूल बस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर तीन था स्कूलों में संचालन हेतु क्रमांक एक पर अंकित बसों को प्राइवेट सेवायान तथा क्रमांक दो पर अंकित बसों को ठेका गाड़ी परमिट चलाना देना आवश्यक था। नंबर चार प्रत्येक स्कूल बस के आगे व पीछे मोटे अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए। नंबर पाँच स्कूल में अनुबंधित बसों पर आगे व पीछे बड़े अक्षरों में आन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। नंबर छः कोई भी स्कूल बस किराए की प्रकार सवारी नहीं भरेगा। नंबर सात प्रत्येक स्कूल बस पर स्कूल का नाम तथा टेलीफोन नंबर लिखा होगा। नंबर आठ प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों की सूची नाम व पता कक्षा ब्लड ग्रुप तथा रूट चार्ट उपलब्ध रहेगा। यथास्थिति अनुबंध पुरुष अथवा महिला सहायक का नाम रहेंगे जो बच्चों की ध्यान करेंगे रखेंगे। नंबर दस स्कूल बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष होगी किंतु 15 वर्ष होगी लेकिन इस बार अब जो है ठेका बस और मारुति वैन वगैरह विद्यालय वैन के लिए आयु जो है 10 वर्ष हो गई। स्कूल बस की 15 वर्ष लेकिन ठेका बस और विद्यालय वैन के लिए 10 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई। बता दीजिए कि वो परेशान न हो कि वो परेशान हो जाते हैं कि साहब आधे लोगों की आ गई अभी हमारी नहीं आई, तो उनको बता दीजिए कि जो नवीनीकरण है जो बच्चे 9 में थे 10 में आए हैं उनको पहले मिलेगी 2 अक्टूबर के चरण में, और जो बच्चे नए आवेदन करेंगे 9 कक्षा में करेंगे उनको छात्रवृत्ति द्वितीय चरण में मिलेगी। तो एक चीज़ ये बच्चों को बतानी जरूरी है, यह पूर्व दर्शन छात्रवृत्ति के बारे में चली हुई है वर्ष 1 जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर तक है। इसकी तिथि 1 जुलाई से 10 इनकी सितंबर 10 सितंबर तक थी लेकिन दसवोत्तर छात्रवृत्ति 10 अक्टूबर तक लोग आवेदन कर सकेंगे। बहुत सी कक्षाएं बाद में चलती हैं उनके रिजल्ट बाद में आए होंगे तो उनके लिए आवेदन की तिथि 1 महीने आगे तक बढ़ाई गई है ताकि वो समय के अंतर्गत बच्चे आवेदन कर सकें। तो ये दो स्थितियाँ हैं जिनके बारे में करना है। जो इसकी स्कूल के जो विद्यालय हैं जो मास्टर डाटा में सम्मिलित नहीं है या कोई नए कोर्स जिनके यहाँ शामिल हुए हैं वो अपने मास्टर डाटा को शुद्ध कर देंगे, उसकी तिथि अलग से आप लोगों को सूचित की गई है, तो वह समय सारणी के हिसाब से अपने मास्टर डाटा को शुद्ध कर दें ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। ये जिसको बता दीजिए कि बच्चे अपने आधार कार्ड को जरूर भरेंगे और बिना आधार कार्ड के अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी बिना वेरिफिकेशन के, या ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद जब बच्चा सही पाया जाएगा तभी उसको छात्रवृत्ति मिलेगी ताकि वो कहीं से डुप्लीकेट न ले सके, कई मल्टीपल उसको छात्रवृत्ति न मिल जाए, पता लगा इस जनपद में भी पढ़ रहा है किसी दूसरे जनपद में भी आवेदन कर दिया वहां से न मिल जाए। तो आधार वेरिफिकेशन के बाद जब ऑथेंटिकेट होगा बच्चा आधार से तभी छात्रवृत्ति मिलेगी, यह विशेष बात आई है इसमें। उसी स्वतंत्र विद्यालय स्कूल के विनियम अधिनियम 2018 का अनुपालन, देखिए 2018 का शुल्क अधिनियम जब से लागू हुआ है उसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं और डीआउस सचिव हैं, इसमें यह नहीं है कि कोई बेसिक का स्कूल सोचे कि हमको बेसिक से मतलब है। शुल्क में कहीं भी अधिकता पाई जाएगी कक्षा 1 से 12 तक वो सारी पहले अधिनियम को हमने सारे विद्यालयों में भेज दिया है, हमारे जगह शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं उनको हम भिजवा दिया है, इसी का भिजवा दिया है, उसका अक्षरता पालन करना है। उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या नियम है, वो आपको साई जी ने डिटेल में बता दिया हुआ पूरा, और 3 मीटिंग में ले चुका हूँ मैं, अगर किसी के पास अधिनियम ना हो तो मुझसे ले जाए। उसमें साफ साफ दिया हुआ है 20,000 से ज़्यादा अगर शुल्क लेते हैं आप तो उसको आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन जो करेंगे उसकी एक हार्ड कापी हमारे ऑफिस में होना अनिवार्य रूप से है, अन्यथा कुछ प्रावधान किए हुए हैं उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी मुझे भी दिक्कत होगी। और अगर तभी अगर आपके अंदर कोई शुल्क अध्ययन के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय बैठे हुए हैं जो हमारी समिति के सदस्य हैं वो आपकी समस्या को दूर कर देंगे। दूसरा बिंदु आता है कोई भी प्रधानाध्यापक शिक्षक विद्यालय समय जिला विद्यालय अथवा अन्य किसी कार्यालय में नहीं आएगा तो उनका अनुभव सूचित करें। अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई कारण लेकर यहाँ ब्याज ऑफिस में अध्यापक आ जाते हैं, प्रिंसिपल से भी नहीं पूछते आ जाते हैं, तो जब प्रिंसिपल से बात करता हूँ तो कहते हैं प्रबंधक से पूछ के आ रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका कॉलेज का टाइम है आप उस टाइम पे स्कूल जाइए, कोई समस्या आती है तो आप
उसके बाद स्कूल के बाद में मुझसे आ जाइए, या अगर कोई समस्या है मेरा मोबाइल नंबर सबके पास अवेलेबल है, मुझसे फोन से बात करिए, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। यह साहब ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन बात बिल्कुल सही बताई गई है साहब ने कि अगर कोई विद्यालय इतने समय से बंद पड़ा है तो अगर आप उसमें 3-4 दिन साफ सफाई के लिए नहीं देंगे तो जब आपके विद्यार्थी स्कूल में पहुँचेंगे तो उनको डेस्क बेंच में बिल्कुल गंदगी मिलेगी और स्कूल की स्थिति ऐसी मिलेगी कि उस परिवेश में फिर अगर आप उन्हें सफाई की बातें बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि जब मेरा स्कूल इतना गंदा है तो फिर ये भाई साहब मुझे सफाई की बातें क्यों बता रहे हैं। जो अभी कहा गया ना कि दस्तक अभियान और तमामी से अभियान, जिसके लिए आपको बच्चों को हाथ कैसे धोया जाता है, सफाई कैसे रखी जाती है, तो आवश्यक ये है कि पहले कम से कम अगर उनके घर में या वो जिस परिवेश से आ रहे अगर वहाँ साफ सफाई नहीं है तो कम से कम अपने स्कूल में साफ सफाई दे दें। बच्चा आजकल स्कूल अपने घर पर जितना समय बिताता है, जितना समय अपने माता पिता के समय के साथ बिता पाता है आजकल के ज़माने में, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा समय और उससे ज़्यादा प्रभावशाली वो समय होता है जो वो अपने शिक्षकों के साथ बिताता है। तो अगर अपना वो साफ सुथरा स्कूल देखेगा, साफ सुथरा परिवेश देखेगा तो वो बहुत अधिक मोटिवेट होगा और वही सेम चीज़ें वो कोशिश करेगा कि जब वो घर में जाए तो वहाँ पर भी वो अपने माता पिता और आस पड़ोस के लोगों को साफ सफाई के बारे में बताएं। तो आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लें और इसकी व्यवस्था कर लें कि 25 तारीख अब बीत चुका है, 2 दिन हो चुका है, तो साफ सफाई इतनी अच्छी हो कि अद्वितीय हो, इस पर बच्चा देख के सोचे कि मतलब कि हमारा स्कूल जब मैं छोड़ के गया था और जब मैं वापस लौटा तो उसमें साफ सफाई और बाकी व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन दिख रहा है। जैसे आपके यहाँ अगर ग्रीन बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड है तो आप लोग उसको ग्रीन बोर्ड पर शिफ्ट हो सकते हैं या व्हाइट बोर्ड पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा परिवर्तन होता है, उसपे क्लास की शोभा बढ़ जाती है उससे। तो इन सब तरह की चीज़ें आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस टाइम पे। दूसरी बात जो वृक्षारोपण को लेकर बताया गया, इसमें जो लक्ष्य आप लोगों को दिया गया है बहुत ही कम लक्ष्य दिया गया है, प्रति विद्यालय मात्र 10 का लक्ष्य दिया गया है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि स्पेशली जो क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको भी विद्यालयों में कम से कम 4 साल या 3 साल अभी बिताना होता है, तो अगर वो वृक्षारोपण आप इन्हीं बच्चों के माध्यम से कराएं जो कक्षा 9 में है 10 में है और जिन्हें अभी आपके विद्यालय में आगे 3 साल 4 साल बिताना है, उन्हीं के हाथों आप वृक्षारोपण कराएं और उसके बाद वो वृक्ष उसी को सपोर्ट कर दें कि यह वृक्ष अब तुम्हारा है, तुम ही इसका ध्यान रखोगे जब तक तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो 3 या 4 साल अगर किसी वृक्ष को अच्छा ध्यान मिल जाए तो उसके बाद वो वृक्ष काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो अपना ख्याल पर खुद रखेगा और उस वृक्ष को उस बच्चे को प्रेरित करके उसका नामकरण करवा दें। देखिए नामकरण की जो प्रक्रिया होती है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और मुझसे ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि अगर हम किसी चीज़ का नामकरण कर देते हैं तो उसके बाद उस चीज़ से ऐसी अटैचमेंट होती है कि उसके बाद हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसी यही कारण होता है कि हम लोग बच्चे का भी नामकरण करते हैं या बहुत सारे केसेस में जो पेट ओनर्स होते हैं वो अपने जो पेट्स होते हैं उनका भी नामकरण करते हैं। एक बार किसी भी चीज़ का जब नामकरण करते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है, उसके बाद उस चीज़ से आदमी खुद को अलग नहीं कर पाता लाख कोशिश के बावजूद। तो मैं ये आपको ये सुझाव दूंगा कि जो वृक्षारोपण आप कर रहे हैं सिर्फ अपना एक टारगेट समझ के कि 10 पेड़ कहीं से खरीद के लाएँ और गड्ढा खोदें और लगा दें फिर आगे वो सूखे या कुछ भी हो मुझे से मतलब नहीं। आप विद्यालय के कक्षा 9 और 10वीं के बच्चों में से मैं आपसे अपील करूँगा कि ईको क्लब टाइप का एक क्लब बना दें, उसमें से 15, 20, 30, 40, 50 बच्चे जो हैं उनको प्रेरित करें, एक एक उनको वृक्ष दें, उसका नामकरण उन्हीं के थ्रू करवा दें और वो नाम उस वृक्ष पे भी लिखवा दें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी DIS की सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली थी, उसमें उन्होंने कुछ बिंदु इंगित किए थे और कुछ तैयारियां उन्होंने कहा था कि विद्यालय जो हमारे माध्यमिक के हैं वो खुलने के पहले कुछ तैयारियां हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, इसी के संबंध में बैठक बुलाई गई थी जिससे कि जो शासन की मंशा है वो हमारे जितने भी प्राचार्य हैं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के उनको अवगत करा दिया जाए और उसके साथ साथ कुछ अगर कुछ बदलाव या कुछ सुझाव अगर प्रधानाचार्य अपनी दिक्कतों को बताना चाहें तो उसके लिए एक बैठक थी, 2-way इंटरेक्शन था, कुछ उन्होंने सवाल पूछे, कुछ निर्देश दिए गए, तो बैठक बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसी के क्रम में किया गया था। देखिए वृक्षारोपण का लक्ष्य जो दिया गया है वो प्रति विद्यालय न्यूनतम 10 वृक्ष का लक्ष्य दिया गया है तो उसी के अनुरूप वृक्षारोपण कराया जाएगा।